हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास सिक्स इंग्लिश वर्कशीट 18, डेट 25/11/2020, पोएम द काइट। आज हम क्लास सिक्स इंग्लिश की वर्कशीट 18 करेंगे, जो कि 25/11/2020 की है, और आपकी वर्कशीट का टॉपिक है द काइट। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। All of us love to fly kite. Have you ever tried to fly one? हम सभी को पतंग बहुत पसंद है, क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? Below is a picture of a kite. नीचे एक पतंग की तस्वीर है। Look at the picture carefully and answer the questions. पिक्चर को ध्यान से देखिए और दिए गए questions के आंसर लिखिए। First, color of the kite is, तो यहाँ हम लिखेंगे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। शेप ऑफ द काइट इज, तो यहाँ हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। प्लूरल ऑफ काइट बनेगा काइट्स, टेल का बनेगा टेल्स, स्ट्रिंग का बनेगा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग होता है मांझा, धागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हाउ ब्राइट ऑन द कलर इज ए काइट वैन इट इज न्यू। जब एक नई पतंग आसमान में होती है तो कितनी चमकदार व आकर्षक लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। जब यह नीचे की तरफ आती है वह गोता मारती है, तब वह अपनी कागज की लगी पूंछ को झटका देती है। देन सोर्स लाइक अ शिप with only a sail, as over tides of winds it rides, climb to the crest. फिर एकदम से वह पानी के जहाज की तरह हवा की लहरों पर सवार हो जाती है, वह हवा को अपनी चाल में भर लेती है। Now, let us find the lines from the poem that mean the same as. चलिए poem में उन लाइनों को ढूंढते हैं जिनका meaning same है। A, the kite seems bright in the sky. तो यहाँ हम लिखेंगे How bright on the blue is a kite when it's new. B, it soars like a ship. तो यहाँ हम लिखेंगे Then soars like a ship with only a sail. Fill in the blanks with the correct words from the box. A, the kite dash and dash in the sky with its tail. तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट ब्लैंक में डाइव और सेकंड में डिप्स। द काइट डाइव्स एंड डिप्स इन द स्काई विद इट्स टेल। बी, द काइट सोर्स लाइक अ डैश इन द स्काई। तो यहाँ हम लिखेंगे शिप। द काइट सोर्स लाइक अ शिप इन द स्काई। एक्टिविटी, ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और अ न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट See if you can fly it. कागज, धागा, ग्लू, थिन स्टिक्स, पतली लकड़ियों की सहायता से काइट बनाने की कोशिश करें और देखिए क्या आप उसे उड़ा सकते हैं। At the end of the worksheet, COVID appropriate behavior, cab message, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. 6 फुट अथवा 2 गज की देह से दूरी बनाए रखिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।